वेलकम टू माय चैनल आई होप कि आप सब लोग खुश हैं मज़े में हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अब हम पहुंच गए हैं सी व्यू सी यू पे हम यहाँ पर थोड़ा ऊंचा था ऊंची जगह थी वहाँ से उतर के नीचे आना था यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक बाउंड्री सी नजर आ रही है बस इस बाउंड्री के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक गहरा समंदर ये अरबिन सी है भैया अरब जिसे कहते हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन लग रहा होता है तो सब लोग इस बाउंड्री के ऊपर चढ़कर इसका नजारा यहाँ पर ये बाउंड्री सी एक पट्टी सी बनी हुई है इसके ऊपर सब चढ़ जाते हैं मुझे इतना डर लग रहा था बच्चे भी हैं ज़रा सा हाथ फिसले कुछ गलती हो तो बस हड़प से समंदर के अंदर ही जाके के करेंगे नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर बने हुए थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो नीचे उन पत्थरों पर बैठे हुए थे और समंदर का नज़ारा कर रहे थे यहाँ पर हम सब उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हाई हील पहनी हुई है वो भी कोशिश करके चढ़ ही गए थे सब उसके ऊपर चढ़ गए बिलाखिर समंदर इतना हसीन लग रहा था इतना काम एंड क्विट इतना खामोश सा अपने आ, कहते ना कि जितने राज उसके समंदर के सीने में दफन हैं और बिल्कुल इतना खामोश सा गहरा समंदर बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा होता है अल्लाह की खुदरत नज़र आ रही होती है और बहुत हसीन लग रहा होता है इन्हों को कहा लोग कहते हैं कि एक समंदर ही तो है उसमें क्या ऐसी बात है लेकिन जब आप जाते हैं और समंदर को इतने बड़े इतनी ज़्यादा उसने एरिया पे फैले हुए समंदर को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें मोटर बोट चल रही थी जो बहुत ही अच्छी नगरी थी नीचे ये कुछ लड़के बैठे हुए थे और वो मछलियाँ पकड़ रहे थे उन्होंने बहुत अपने कांटे डाले हुए थे और उसको बार बार उठा के देख रहे थे कि उसमें कोई मछली अटकी है फंसी है या नहीं फंसी है तो सब इन्जॉय कर रहे थे और ये जो पट्टी है इस पर ये वहाँ तक है वहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर बने हुए और पत्थर पड़े हुए हैं बहुत ही हसीन बहुत ही अच्छा लग रहा था एक सुकून सा लग रहा था दिल चाह रहा था कि बस खामोशी के साथ यहाँ पर बैठे रहो और खामोशी को इंजॉय करो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी जगह पे कहीं बैठते हैं और सूरज जो गरूब हो रहा होता है शाम का टाइम था सूरज बस होने सनसेट होने वाला था यहाँ पर ये परिंदे कुछ उड़ रहे थे ये बड़े ऐसे लग रहे थे ये वो परिंदे हैं जो कुछ ना कुछ इनको खाने को मिल जाता है समंदर के अंदर से ये एक डुबकी लगाते और कुछ ले कर उड़ जाते और इतने अच्छे ये लग रहे थे बार बार आते नीचे और कुछ अपनी चोंच के से पानी में चोंच मारते और कुछ ना कुछ इनको खाने को मिल जाता और फिर ये उड़ते तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे बहुत ख़ूबसूरत लग रहे थे मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं यहाँ बैठी रहूँ और आ, वक्त का पता ही नहीं चल रहा था वक्त का एहसास ही नहीं था सूरज गुरू होने का मंजर भी एक एक अजीब सा एक हसीन सा मंजर होता है बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा कभी आप लोग भी आए हैं ये सी सी आइए और देखिए कि यहाँ पे कितना अच्छा कितना हसीन मंजर होता है ये मोटर बोट चल रही थी यहाँ पर इतनी अच्छी लग रही थी लेकिन ये साहिल पे अंदर उसे जाने का नहीं था सिर्फ उस बाउंड्री पे खड़े होके देख रहे थे तो देखते अगर ये इस पर होता सी साइड होता तो मोटर पर मोटर ये बोट है इस पर भी बैठने की एक ख्वाहिशी पूरी हो जाती मेरी तो खैर नहीं थी मुझे तो बहुत डर लगता है मैं नहीं बैठ सक मैं नहीं बैठती लेकिन जो हम सब साथ गए थे उन लोगों का दिल था कि हम मोटर बोट में भी बैठे लेकिन है कि समंदर इतना गहरा था ऊपर सिर्फ एक बाउंड्री थी ये देखें इस तरह ये रेस्टोरेंट बने हुए थे बस इस बाउंड्री पे कुछ लोग खड़े हुए थे कुछ बैठे हुए थे और समंदर को देख रहे थे और मोटर बोट्स को देख रहे थे जो कि चलती हुई बहुत ही अच्छी और बहुत हसीन लग रही थी महसूस किए जाने वाली ख़ूबसूरती है बयान करने वाली ख़ूबसूरती नहीं है वहाँ पे देखें एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं बहुत ही वो पत्थर पे बिल्कुल ही पत्थर थे और पत्थर के नीचे बस ये समंदर है और ये ऊपर एक बाउंड्री सी बनी हुई है सी व्यू क्लिफ्टन का क्लिफ्टन का ये आ, आ, की जगह पर है ये ये सब वहाँ अब वहाँ उसी बाउंड्री पे वो आ, कुछ आ, सेल्स करने वाले भी थे जैसे चॉकलेट है चने हैं और ये छालिया है इस तरह की चीज़ें बेचने वाले भी थे हम लोग भी यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे सब यहाँ हम अब पहुँच गए हैं दो दरिया रेस्टोरेंट ये सज्जात रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है समंदर के बिल्कुल आ, समंदर के ऊपर ही है समझें और बहुत ही ये अंदर जा रहे हैं यहाँ पे देखें इसके छोटे छुड़ छोटे से इन्होंने बनाए हुए हैं केबिन्स कह लें इनको कि वहाँ पे वो बहुत ही अच अच्छा उन्होंने जो है अरेंजमेंट किया हुआ है साथ में समंदर नज़र आ रहा है आप वहाँ बैठ के चाय पिएँ कुछ भी इंजॉय करें और ये जो उसका व्यू आता है ना समंदर का जो व्यू आता है वो इतना अच्छा होता है शाम के टाइम में तो शाम का टाइम देखें कितना हसीन लग रहा है ये छोटे छोटे यहाँ पे कैबिन बने हुए हैं वहाँ आ कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है जो लोग वहाँ थे बैठे हुए थे जो इन्जॉय कर रहे थे अपनी कॉफ़ी को या अपनी चाय को जो भी था तो उनको उनकी जो पिक्चर नहीं बना सकते थे तो लेकिन जहाँ पर नहीं थे वहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है इतने हसीन लग रहे थे हर जगह देखे मैंने घूम के कोशिश की है कि आपको उसका सारा व्यू जो है वो अच्छा सा मैं दिखा सकूँ यहाँ देखिए शाम का टाइम है बहुत ही हसीन लग रहा है लाइट्स इन्होंने अपनी ऑन कर दी थी बहुत ही मज़े का मंजर था बहुत ही मज़े का यहाँ पे उन्होंने कुछ बलूस वगैरह भी लगाए हुए थे नीचे पानी में समंदर में भी कुछ बलून थे और बिल्कुल यहाँ पे किनारा था वहाँ पे बोट चल रही थी आप यहाँ हम चाय पी रहे थे और वहाँ से बोट का जो समंदर का नज़ारा कर रहे थे जो कि बहुत ही हसीन लग रहा था कभी आप लोग भी यहाँ पे आइए और देखिए कि कितना अच्छा लगता है दिल ही नहीं करता वक्त का पता नहीं चलता आप कितना वक्त वहाँ गुजर गया है एहसास नहीं होता ये रेलिंग है लकड़ी की सारा वुड का बना हुआ है और नीचे पूरा समंदर है गहरा मैं वहाँ से बनाने की कोशिश कर रही थी उस रेलिंग के पास आकर उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और मैंने कुछ किया भी है ये देखिए यहाँ पर हम लोग थे ये भी कितना हसीन है बहुत लग रहा है ये बोट और एक परिंदा भी सफ़ेद सा उड़ता हुआ जा रहा था बड़ा हसीन लग रहा था वो भी ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं एंट्रेंस भी इसकी बहुत खूबसूरत थी अब हम वापस जा रहे हैं ये यहाँ पे एक फवारे थे साथ में बड़ा उन्होंने खूबसूरत से बनाया हुआ एंट्रेंस भी बहुत अच्छी सी बनाई हुई है दोनों तरफ दोनों साइड पे फवारे से हैं और व्यू बाहर का बहुत अच्छा है और इतना अच्छा मंज़र लग रहा था वो उसका मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि हल्की हल्की सी सुर्खी थी आसमान पर अभी सूरज गुरूप हुआ ही था और बहुत ही हसीन लग रहा था शाम के टाइम आप लोग आएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर यह है बाहर का व्यू जो कि देखें कितना हसीन लग रहा है आसमान पे कलर्स देखें कितने हैं कितने खूबसूरत कलर हैं लाइट्स ऑन थी और इतना ज़बरदस्त व्यू था बस आज का ब्लॉग इतना ही उम्मीद है कि मज़ा आया होगा